सिट्रॉन कंपनी को तो आप लोग जानते होंगे जो फ्रांस बेस्ड है, और हाँ इसने रिसेंटली अपनी एक गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च की है जो कि है C5। अब सिट्रॉन कंपनी जल्द ही एक और नई गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, और इस गाड़ी का जो नाम है जो एक्सपेक्टेड है वो है CC21, जिसकी भारत में टेस्टिंग की जा रही है और इसको काफी बार स्पॉट भी किया गया टेस्टिंग के दौरान। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिट्रॉन C21 को सिट्रॉन कंपनी सितंबर 2021 में इंटरनेशनल मार्केट में उतारेगी सबसे पहले, उसके बाद ही वहां का रिस्पॉन्स देखने के बाद वो इंडियन मार्केट में उतारेगी। तो बात कर लेते हैं सिट्रॉन कंपनी जो अपनी नई गाड़ी उतारने वाली है सिट्रॉन CC21, उसके अंदर फीचर्स कौन कौन से होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, सिट्रॉन CC21 सिट्रॉन C5 की तरह ही काफी फीचर लोडेड होगी, जिसमें एक काफी बड़ा फ्लॉन्टिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करेगा। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील होगा और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई सारे फीचर दिए जाएंगे। कंपनी इसे टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा XUV300, किया सोनेट और फोर्ड इकोस्पोर्ट जैसी कारों को टक्कर देने के लिए पेश करेगी। मतलब इन सारी कारों को टक्कर देने के लिए सिट्रॉन कंपनी अपनी CC21 लॉन्च करेगी। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्रांस बेस्ड कार मेकर कंपनी इस कॉम्पैक्ट SUV के इलेक्ट्रिक वर्जन पे भी काम कर रही है, जिसे 2022 में लॉन्च किया जा सकता है। सिट्रॉन CC21 को कंपनी ने अपने कॉमन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है, जिसे प्लूजो 2008 के डिजाइन से इंस्पिरेशन मिलती है। इस डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इस पर SUV, MPV, सेडान और हैचबैक जैसी कारें बनाई जा सकती हैं। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हर तरह की गाड़ी मैन्युफैक्चर की जा सकती है। और अगर मैं सिट्रॉन CC21 के इंजन और पावर की बात करूं, तो कंपनी ने इस कार के अंदर 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है जो कि 130 bhp का पावर जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है। अगर मैं कार के ट्रांसमिशन की बात करूं, तो इसके अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि सिट्रॉन कंपनी की ये जो पहली मॉडल होगी, मतलब CC21 के अंदर पहली बार फ्लेक्स इंजन दिया जाएगा। और मैं यही बता दूं फ्लेक्स इंजन क्या होता है जिनको नहीं पता। फ्लेक्स इंजन के अंदर जो इंजन होता है वो पेट्रोल और एनाथोल के मिश्रण से चलने वाला इंजन होता है, और इस इंजन को पूरी तरह से एनाथोल पर भी चलाया जा सकता है। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आने वाले टाइम में इस तरह की गाड़ियों का काफी भारी डिमांड होने वाली है। बाकी सिट्रॉन कंपनी पहले तो इसे इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करेगी, उसके बाद ही वहां के रिस्पॉन्स देखने के बाद इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। तो सिट्रॉन CC21 के लॉन्च होने के लिए हमें सितंबर 2021 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी इसको इंटरनेशनल मार्केट में उतारेगी और तभी पता चलेगा इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, उसकी वहां पे प्राइस कितनी है, कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्या रखी है, इंडियन मार्केट में क्या रख सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।